हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न इट वन क्लिक। फ्रेंड्स, ये इंश्योरेंस अवेयरनेस के ऊपर टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। और ये वीडियो LIC AA और 2019 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मेनली 7 टर्म्स को इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। टर्म लाइफ इंश्योरेंस एंड TROP, इंडोमेंट प्लान, मनी बैक पॉलिसी, होल लाइफ पॉलिसी, पेंशन पॉलिसी, चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी एंड यू लिव। ओके, तो ये 7 सब टॉपिक्स हैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम के चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, टेलीग्राम चैनल या फिर ग्रुप दोनों किसी एक पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप PDF फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर मेंशन कीजिए। ओके, सबसे पहले चीज़ की लाइफ इंश्योरेंस होती क्या है। तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि लाइफ इंश्योरेंस आप अपने हेल्थ और डेथ को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए पॉलिसी लेते हैं, जिसके आपके फैमिली, आपके चिल्ड्रेन या फिर आपके ऊपर जो डिपेंडेंट है उसको आपके इस दुनिया में न रहने की वजह से या फिर पॉलिसी होल्डर की अगर अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में उसे देखभाल कौन करे। तो इस टाइप की जो भी पॉलिसी होती है वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होती है। यानी हेल्थ से रिलेटेड, आपके लाइफ से रिलेटेड जो भी पॉलिसी होती है वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आती है। और ये जो पॉलिसी होती है इसकी प्रीमियम आपको मंथली, क्वार्टरली या फिर एनुअली पे करना होता है, क्योंकि ये जो पॉलिसी आपको लॉन्ग टर्म के लिए होती है, आई मीन मोर देन ईयर होती है। ओके, तो इस संदर्भ में लाइफ इंश्योरेंस को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक ट्रेडिशनल होल लाइफ जो होता है और दूसरा टर्म लाइफ इंश्योरेंस। तो ट्रेडिशनल होल लाइफ ये जब तक आप जीवित हैं, आई मीन जो पॉलिसी होल्डर है जब तक वो जीवित है तब तक उसको प्रीमियम पे करते रहना होता है, और जैसे उसकी मृत्यु होगी उसकी कोई टर्म्स एंड ड्यूरेशन नहीं होती है, बस आप पॉलिसी होल्डर के डेथ के ऊपर डिपेंड होता है। और उसकी डेथ जैसे होगी उसके बाद नॉमिनी या फिर बेनिफिशियरी या फिर फैमिली का जो मेंबर होगा पॉलिसी में जिसका नेम मेंशन होगा, तो उनको इस आफ्टर डेथ बेनिफिट, आफ्टर डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर डेथ बेनिफिट उनको मिलेगा। ओके, और टर्म्स पॉलिसी होल्डर में क्या होता है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस में आपको टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करना होता है। डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, वन बाय वन हम देखते हैं कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस जो होता है ये फर्स्ट बेसिक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। ओके, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। सपोज कीजिए अभी आपकी एज 40 ईयर्स है और आपने 10 ईयर्स के लिए पॉलिसी लिया 50 ईयर्स के लिए, आप हर साल प्रीमियम पे कर रहे हैं। बट 2 केस हो सकता है, आप 45 ईयर्स में आपकी डेथ हो सकती है, 3 केस ले लेते हैं, 55 ईयर्स में आपकी डेथ हो सकती है और 50 ईयर्स में भी आपकी डेथ हो सकती है। ओके, प्रीमियम पहले से डिसाइडेड है कितना प्रीमियम पे करना है पर ईयर। अगर आपकी डेथ 45 ईयर्स में हो जाती है तो पूरी डेथ बेनिफिट आपको फैमिली को मिल जाएगी। 50 ईयर्स में भी हो जाता है, यानी आपने कंप्लीट प्रीमियम पे किया उस अकॉर्डिंग आपको आपके फैमिली को डेथ बेनिफिट मिल जा रही है 50 ईयर्स में। आपने 50 ईयर्स तक प्रीमियम पे किया लेकिन आप डेथ हो रही 55 ईयर्स में, यानी आपको 5 साल तक कोई इसके बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी आपकी जब डेथ होगी, पॉलिसी होल्डर की जब डेथ होगी, देन उसके फैमिली को 50 डेथ बेनिफिट मिलेगा। ओके, यानी इसमें जब तक पॉलिसी होल्डर जिंदा है उसकी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है उसके फैमिली को, उससे डिपेंडेंट या फिर जो भी नॉमिनी और बेनिफिशरी हैं उनको उस पॉलिसी का बेनिफिट मिलेगा, डेथ बेनिफिट होगा। यानी ये जो पॉलिसी है इसमें ना तो सेविंग होता है, ना प्रॉफिट कंपोनेंट कुछ नहीं होता, और ये चीपर होता है, सस्ता होता है अदर्स के कंपेटिवली, और बहुत आसानी से ये पॉलिसी अवेलेबल हो जाती है। टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ईजी होता है, इसमें कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता। जैसे मैंने बताया कि 50 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद आपके पॉलिसी मैच्योर हो जा रहा है, लेकिन आपको जब तक पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं होगी तब तक उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, तो टर्म्स लाइफ इंश्योरेंस यही है। अब टर्म लाइफ इंश्योरेंस थोड़ा सा अपग्रेड हुआ, जिसका नाम हुआ टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान विद द रिटर्न ऑफ प्रीमियम। ओके, इसमें क्या है, जैसे आपका मैंने एग्जांपल लिया 40 ईयर्स, 50 ईयर्स तक आपने प्रीमियम पे किया 55 ईयर्स, अगर आपकी डेथ 55 ईयर्स की हो, 45 ईयर्स को हो जा रही है, यानी आप को डेथ बेनिफिट मिल गया। लेकिन आप जैसे 50 ईयर्स के बाउंड्री पहुंच रहे हैं लेकिन आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी है, पॉलिसी होल्डर की हेल्थ अच्छी है और जीवित रह सकते हैं, तो उस केस में चाहे तो ये मैच्योरिटी बेनिफिट ला सकते हैं। आई मीन कि 50 ईयर्स के में जैसे उनका प्रीमियम कंप्लीट हो रहा है तो वे मैच्योरिटी बेनिफिट
ले सकते हैं, आई मीन कि पॉलिसी को ब्रेक कर सकते हैं। उस केस में अगर आप बाद में आपकी पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो वहां पर डेथ बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पर मेंशन किया है मैंने कि मैच्योरिटी और डेथ विच एवर इवेंट हैपेंस फर्स्ट पेबल एंड पॉलिसी टर्मिनेट देयर आफ्टर। यानी आप जैसे आप 50 ईयर्स कंप्लीट कर रहे हैं और अभी तक पॉलिसी होल्डर जिंदा है, मृत्यु नहीं हुई, तो मैच्योरिटी बेनिफिट आप ले रहे हैं, तो उसके बाद सपोज कीजिए आप 52nd ईयर में आप पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जा रही है, तो इस समय 51st ईयर में उसे फैमिली को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे पॉलिसी ओवर हुआ है यहाँ पर मैच्योरिटी बेनिफिट ले लिया जा चुका है, यानी पॉलिसी मैच्योर हो चुकी है, आप उस पर जो भी बेनिफिट थे वो पॉलिसी होल्डर ने पा लिया है। ओके, तो बस यही डिफरेंट है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस जो है उसमें आपको मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलती, बट टी आर ओ पी टर्म इंश्योरेंस प्लान विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम ड्रॉप। तो टर्म इंश्योरेंस प्लान विद द रिटर्न ऑफ प्रीमियम जो टी आर ओ है, इसमें आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिलती है। ओके, लेकिन दोनों में से कोई एक चीज मिलेगी। अब नेक्स्ट हम आते हैं टाइप्स ऑफ टर्म इंश्योरेंस प्लान। देखिए टाइप्स ऑफ टर्म इंश्योरेंस प्लान में तीन तरह के होते हैं। इंक्रीज टर्म लाइफ इंश्योरेंस जिसमें द कवरेज एंड प्रीमियम आर इंक्रीज इंक्रीज विद टाइम, एंड जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे आपकी कवरेज और प्रीमियम बढ़ते रहेंगे। आई मीन कि जितना आप प्रीमियम पे कीजिए उतना ज्यादा आपको लाइफ कवरेज मिलेगा, डेथ कवरेज मिलेगा आपके फैमिली को। डिक्रीजिंग टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान यानी जो रिन्यूअल ऑफ प्रीमियम है कॉन्स्टेंट रहेगा एंड डेथ बेनिफिट जो होगा आपका डिक्रीज होते रहेगा विद टाइम, है जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाए वैसे वैसे डेथ बेनिफिट डिक्रीज होगा। क्योंकि अगर सपोज कीजिए हर साल आप 50 रुपये में रिन्यू करा रहे हैं, हर साल 50 रुपये 50 रुपये पे कर रहे हैं, तो रुपी की जो वैल्यू आज से 5 साल पहले थी और 5 साल बाद, तो वो डिफरेंट होती है, जिस वजह से जो डेथ बेनिफिट है वो डिक्रीज होती रहेगी। ठीक है, फिर है लेवल टर्म लाइफ इंश्योरेंस, इसमें रिन्यूअल प्रीमियम जो है कॉन्स्टेंट रहेगा। ओके, और एंड द डेथ बेनिफिट रिमेंस द सेम थ्रू आउट द पॉलिसी। इसमें रिन्यूअल प्रीमियम और डेथ बेनिफिट सब कुछ सेम रहेगा, आपको कोई टेंशन नहीं। जो लेवल टर्म प्रीमियम है ये बेटर होता है। इसमें बेनिफिट क्या है टर्म इंश्योरेंस का, इसमें हाई कवरेज मिलता है मिनिमम रेट पर, यानी आप एक बार पे कीजिए बहुत कम कॉस्ट होता है और इसमें प्रीमियम हाई कवरेज हाई मिलता है, डेथ है बेनिफिट आपको हाई मिलता है। इस और इस इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने के पर भी आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर में आप इनकम टैक्स जब पे करते हैं तो 1.5 लाख रुपीज तक की आपको छूट मिलती है। इंडोमेंट प्लान, हाँ, तो जो नेक्स्ट है इंडोमेंट प्लान। इंडोमेंट प्लान्स में आपको मैं एग्जांपल्स बता रहा हूँ, जैसे फर्स्ट एग्जांपल था आप 10 ईयर्स के लिए प्लान लिए, ये 0 ईयर्स है, यहाँ पर 10 ईयर्स है, 15 ईयर्स, यहाँ पर 5 ईयर्स। सब कुछ कीजिए, आज आप पॉलिसी होल्डर ने प्लान लिया 10 साल के लिए, अब उसकी डेथ हो जा रही है 5वें साल में, तो पॉलिसी होल्डर के फैमिली को डेथ बेनिफिट यहाँ पर मिल जाएगा। अब पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जा रही है 11th ईयर में, तो यहाँ पर भी पॉलिसी होल्डर को डेथ बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो रही है 15th ईयर्स में, तो यहाँ पर भी पॉलिसी होल्डर को डेथ बेनिफिट मिल जाएगा। अगर 10वें साल में भी पॉलिसी होल्डर को डेथ हो जा रही है, तो यहाँ पर भी पॉलिसी होल्डर की डेथ बेनिफिट मिल जाएगा। बट इसके साथ साथ एक और खासियत है कि जैसे 10 ईयर्स कंप्लीट होगा, आई मीन कि बिफोर 10 ईयर्स नहीं, जैसे मैच्योरिटी टाइम होगी, आई मीन कि मैंने 10 ईयर्स यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, तो जैसे 10 ईयर्स कंप्लीट होगा तो यहाँ पर इन्हें साथ में एक मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलेगा, मैच्योरिटी बेनिफिट प्लस डेथ बेनिफिट दोनों मिलेंगे। ओके, तो आई मीन कि अगर 10 साल से ज्यादा पर्सन जीवित रहते हैं तो उनको मैच्योरिटी बेनिफिट प्लस डेथ बेनिफिट दोनों मिलेंगे। ओके, फैमिली को तो ये जो प्लान है इंडोमेंट प्लान, ये लाइफ इंश्योरेंस एंड सेविंग प्लान दोनों है। अगर पर्सन जीवित रहते हैं तो उनको सर्वाइव करने के लिए मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा, और डेथ उनकी किसी कारणवश डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर के, तो उनके फैमिली को डेथ बेनिफिट भी मिलेंगे, कवरेज मिलेगा डेथ कवरेज भी। ओके, बस यही डिफरेंट है कि यहाँ पर टर्म प्लान में आपको मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता था और एंडोमेंट प्लान में मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है। ओके, और इस प्रीमियम की जो कॉस्ट होती है हाई होती है, क्योंकि यहाँ पर मैच्योरिटी बेनिफिट मिल रहा है और टर्म प्लान में आपको मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलती थी, इसलिए वहाँ पर लो होता है, लो प्रीमियम पे करना होता है। ओके, और यहाँ पर बेनिफिट बस यही है कि आपको सेविंग और इंश्योरेंस कवरेज दोनों मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप बीमार हो रहे हैं या फिर एक्सीडेंट आपका हो जा रहा है, एक्सीडेंटल डेथ हो जा रहा है या डिसेबल हो जा रहा है, तो कुछ केसेस में आपको यहाँ पर भी कवरेज दिया जाता है, एडिशनल बोनस मिलता है, टैक्स में छूट मिलता है अगर आप पे करते हैं तो।
मनी बैक फ्रेंड जो नेक्स्ट है मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी भी एक इंडोमेंट प्लान का सब कैटेगरी है। इसमें क्या होता है कि आपको एक रेगुलर इंटरवल पर कुछ अमाउंट के पैसे मिलते रहते हैं, ओके और साथ ही साथ आपको डेथ बेनिफिट भी मिलता है, आपको मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलता है, ओके तो जैसे सपोज कीजिए आप प्रीमियम पे कर रहे हैं और आपको पैसे की जरूरत है सर्टेन बच्चों के एजुकेशन के लिए, वेडिंग प्लानिंग के लिए, तो उस केसेस में आपको पैसे मिलते रहेंगे। मनी बैक का मतलब कि आप को मैच्योरिटी यहाँ पर होने वाला है तो इतने टाइम पर आपको एक रेगुलर इंटरवल में पैसे मिलते रहेंगे, कि आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेंगे और इसमें आपको डेथ बेनिफिट भी कवरेज होती है, यानी इंडोमेंट प्लान का सब कैटेगरी है। होल लाइफ पॉलिसी जो होता है इसका कोई टर्मिनेशन पॉइंट नहीं होता है, एक ही टर्म में टर्मिनेट होता है, ये पॉलिसी एक्सपायर होता है या फिर टर्मिनेट होता है जब आपकी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, ओके यानी ये पॉलिसी कब तक चलता रहेगा, जब तक पॉलिसी होल्डर जिंदा है थ्रू आउट द लाइफ। ये क्वेश्चन पूछ ली जाती है कि वो कौन सी इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यू रहती है, तो जब तक पॉलिसी होल्डर जिंदा है, तो ये है होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ओके रेगुलर प्रीमियम पे करते रहना होता है डेथ तक, और जो आपके डेथ के बाद जितना भी आपका प्रीमियम पे हुआ है उस अकॉर्डिंग जितना जो कवरेज उसमें इकट्ठा हुआ है कॉर्पस में, तो फैमिली या फिर बेनिफिशियरी को पे किया जाता है। ओके और पॉलिसी बस एक ही केस में एक्सपायर होता है जब इसमें कोई पॉलिसी इवेंचुअली आपकी डेथ हो जाती है, क्योंकि इसमें कोई प्री डिफाइंड पॉलिसी टेन्यूर नहीं होता और कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होता, यानी बस आप पॉलिसी होल्डर की डेथ होगी उसके बाद ही होल लाइफ पॉलिसी एक्सपायर होती है। अब देखिए पेंशन प्लान है, पेंशन पॉलिसी लोग रिटायरमेंट प्लान के लिए लेते हैं, यानी पहले पे करते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं, देन आफ्टर 60-65 ईयर्स जब अटेन कर लेते हैं उसके बाद उनको एक रेगुलर इंटरवल पर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा पेंशन दिया जाता है। मेनली ये सैलरी वाले पर्सन जो होते हैं मैक्सिमम वो इस चीज़ को चूज करते हैं, तो गवर्नमेंट भी बहुत सारे प्लान ला चुके हैं। ओके तो ये तीन चीज़ पर डिपेंड होता है, इन्वेस्टमेंट टाइम एज। ओके फिर चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी नाम से ही है कि अपने चिल्ड्रेन के फ्यूचर्स के लिए ये इंश्योरेंस ली जाती है, कि जब सपोज कीजिए कि पेरेंट्स में से किसी डिपेंडेंट का भी डेथ हो जाता है, पेरेंट्स की भी डेथ हो जाते हैं तो चिल्ड्रेन के केयर कौन करे, तो इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी होती है तो चाइल्ड इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। और एक एज अटेंड करने तक या फिर जब तक जॉब नहीं लगती या फिर चाइल्ड अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते तब तक इंश्योरेंस प्रोवाइड किए जाते हैं, जस्ट लाइक अ पेंशन प्लान है। जैसे पेंशन प्लान में आप जब रिटायर हो जाते हैं उसके लिए, चाइल्ड इंश्योरेंस में क्या है कि जब तक आपको जॉब नहीं लगता या फिर डिपेंडेंट नहीं होता चिल्ड्रेन तब तक इंश्योरेंस पॉलिसी पैसा प्रोवाइड करते रहता है। ओके जब तक चाइल्ड का जो फ्यूचर है सिक्योर नहीं होता, तो यानी पेरेंट्स पहले से अपने चिल्ड्रन के लिए फ्यूचर सिक्योर करके जाते हैं, सपोज कीजिए किसी कारणवश पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो उनका चिल्ड्रन का फ्यूचर सिक्योर हो जाए। ओके तो इसमें बस इतना है कि चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी में चिल्ड्रन की फ्यूचर सिक्योर हो जाती है और जब तक वे डिपेंडेंट नहीं होते, जॉब नहीं लगते, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन, तब तक उनकी फाइनेंशियल हेल्प मिलती रहती है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। देखिए अब नेक्स्ट जो है यूलिप जो है यूनिक लिंक लाइफ इंश्योरेंस प्लान। इस टॉपिक को हम डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स इस टॉपिक में टर्म्स एंड कंडीशन है और इसको मैंने IRDA के साइट से फ्रिक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चन है उससे मैंने प्रिपेयर किया नेक्स्ट स्लाइड्स, तो वहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उसके पूछने से प्रोबेबिलिटी जिसके पूछने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ओके तो ये जो वीडियो है बस यूनिट बता रहा हूँ कि हमें क्या होता है, ये पेंशन प्लान है और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, यानी ये लाइफ इंश्योरेंस प्लान है और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है। ओके और यूलिप को रेगुलेट करता है, यूलिप में जो म्यूचुअल फंड होता है इसको रेगुलेट करता है IRDAI। ओके इसको सेबी रेगुलेट नहीं करता, यूलिप को रेगुलेट करता है एडा। ओके और इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन होता है जो टोटली इन्वेस्टमेंट होता है म्यूचुअल फंड में के जो पॉलिसी होल्डर होते हैं उनके विश पर होता है, कंपनी इसमें कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। ओके यानी जो भी इन्वेस्टमेंट है ये पॉलिसी होल्डर के द्वारा चूज किया जाता है और इसमें आपको मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलती है उस समय। देखिए यूलिप में आपको डेथ बेनिफिट तो मिलती है और जब तक पॉलिसी है उसमें मैच्योरिटी बेनिफिट उतना मिलता है। सपोज कीजिए आपने आज के डेट में 200 शेयर लगाया 1000 रुपी का और जब मैच्योर हुआ
ये 200 शेयर जो है आपका की वैल्यू हो गई 1200 रुपए। तो आपको 200 रुपए प्रॉफिट हो गया, लेकिन यही 200 शेयर की वैल्यू अगर 800 रुपए हो गया तो ये आपको 200 रुपए लॉस हो गया। तो इस केस में जो कंपनी होती है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, आपको रिस्पॉन्सिबल होना होगा कि आपकी जो लॉसेस होंगे वो आप बेयर कीजिएगा, जो प्रॉफिट होगा वो आपको मिलेगा। यानी टोटल मार्केट टू रिस्क है आप, ये आपके ऊपर डिपेंड है। यूलिप का मतलब है यूनिट लिंक लाइफ इंश्योरेंस प्लान, जिसमें आपको इंश्योरेंस कवरेज और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड की बेनिफिट भी दी जाती है, म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट दी जाती है। तो इस टॉपिक को हम बहुत डिटेल्स में डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियो में। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।